मणिकवीर कार्तिक शिंदे कापड़गाव वेडर संदीप रामचंद्र काजरेकर गोरी वेडर क्या बात है, क्या बात है। पहले ही रेड में आक्रमण देखने को मिला है। आता थंडी गायब होणार यात काही शंका नाही। तुमच्या हा आज जिथे गेले ते बाहेर येणार, कारण का थंडी आता गायब होणार, सामना गरम होणार आहे। आणि हा नाचतोय, हा तर पडणार नाचून नाचून। तू इकडे नाचू मित्रा, कारण का पंच पॅनल पडले तर निर्णय चुकीचा येणार आहे। ओके चलते बीच मैदान में, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो अब ये मुकाबला आपको 5001 रुपए की धनराशि देगा और ये मुकाबला एक चमचमाती हुई ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम लिखने के लिए सज्ज होगा। मारू दे, हाँ मारू। शाळेत गेल्यानंतर शिक्षकांनी मारण्याची भीती असते, घरात उशिरा गेल्यानंतर आई वडील मारतील याची भीती असते, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये अपोनेंट खेळाडू आपल्याला मारेल याची भीती नसते। कारण का? आम्हाला चषक जिंकायचा आहे। कारण का? आम्हाला सामना जिंकायचा आहे। कारण का? आमच्या लोकांनी ठेवलेला विश्वासाला सार्थक करायचा आहे। कारण का? इथे आम्ही उपांत्य फेरीपर्यंत आलोय, अंतिम फेरीमध्ये दाखल व्हायचं आहे। कारण का? इतके 364 दिवस जी आम्ही मेहनत केले, त्या मेहनतीचं फळ आम्हाला कमवायचं आहे। कारण का? इतक्या प्रेक्षकांसमोर जी मेहनत आम्ही केले, ती मेहनत त्यांना दाखवायची हे कारण आहे। आणि या कारणला जर तुम्हाला सिद्ध करायचं असेल तर मैदानाच्या आतमध्ये घामाने पडणार एक एक थेंबासाठी तुम्हाला या ठिकाणी झगडावं लागेल, परिश्रम करावे लागतील, आणि त्या परिश्रमाला तुम्हाला येणारा काळ निश्चितच फळ देऊन जाईल। क्या कमाल का मॅच होगा, क्योंकि सेमी फायनल है। जरूर इस समय देखा जाए तो संघर्ष जारी रहेगा दोनों भी टीमों के दरमियान। राइट कॉर्नर से यहाँ पर जरूर कहेंगे टच पॉइंट लेना चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। विक्रांत को बाहर जाना होगा, प्रमुख डिफेंडर अब जाएगा बाहर। थोड़ी सी मुश्किल हो गया, अंदर देख रहा होगा। थर्ड रेड है घोड़ा स्पेशलिस्ट 10 नंबर जर्सी पहनने वाले खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर से खेलेंगे। जरेवाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत खेल पिछले मैच में किया था, इस मैच में भी कर पाएगा नहीं। होम ग्राउंड पर मोरियाबाली की टीम देख रहा होगा किस तरीके का खेल करती है। और राइट कॉर्नर से यहाँ पर खेलेंगे। देखिए इस मुकाबले को जीतना हो, इस समय डिफेंड यहाँ पर किया था, अटैच करने में कामयाब। पॉइंट मिलेगा जरेवाड़ी के पक्ष में। अमर हेच आईने सांगितलं असतं ना, मी चाललो बाहेर, एका हाताने झाडू मारतो पण तू दुसरा हात काय तो बाहेर काढत नाहीये। असू दे, थंडी लागते आम्ही समजू शकतो, परंतु सामना जो दोन्ही हात गेले खिशात तो त्याला माहिती आहे सामना गरज या ठिकाणी गरम होणार आहे। आणि टाळ्या वाजवण्यासाठी तेथे दोन्ही हात बाहेर येतील, येणारा काळ सांगून जाईल। राईट कॉर्नरचं केले की झरेवाडी का एक मजबूत खिलाड़ी है। राईट कॉर्नर से यहाँ पर केली का 5 का डिफेंस इस समय है और जरूर ऊंचे लंबे करके खिलाड़ी है। बहुत ही अच्छी तरीके से घेर किया झरेवाड़ी का सबसे सफल वेडर, इस समय बीच मैदान में एम्टी जाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ 2 नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी और दूसरी नंबर 7 नंबर जर्सी पहने वाला खिलाड़ी स्वप्निल है, जिसने सबसे बेहतर रेड करते हुए अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में जीत दिलाई थी। वही स्वप्निल ने सपने लेकर बीच मैदान में खेलता हुआ नजर आएगा। राइट कॉर्नर से खेले के बोनस लेने का प्रयास यहाँ पर जरूर किया था और सफल जरूर हुए, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर टच पॉइंट लेना चाहते हैं। इस बार क्या रेड टैकल किया गया है, बाप रे बाप। चीन जैसी एक बड़ी दीवार को तोड़कर आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल था, रोकने में कामयाब रहे। क्या डिफेंड दिया है, मुकाबला जबरदस्त होगा। इस समय पॉइंट का फासला ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे दोनों भी खिलाड़ी। प्रमुख रेडर को बीच मैदान में जल्द से जल्द आने का प्रयास रहेगा। स्वप्निल इस समय देख रहा होगा किस तरीके का खेल करते हैं, लाइन के काफी करीब है और एम्प्टी रेड करने के लिए मजबूत किया गया। सबसे अच्छे डिफेंडर यहाँ पर देखा जाए तो पाली की खिलाड़ी की टीम के लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ पर खेलना चाहेंगे। टच पॉइंट यहाँ पर जी हाँ लेंगे, कहीं ना कहीं नजरे जमाए बैठे थे, पॉइंट लेकर जाएंगे। थर्ड रेड है, डू ऑर डाई रेड जिसको कहा जाता है, थर्ड रेड है। राइट कॉर्नर से यहाँ पर खेलेंगे, टच पॉइंट यहाँ पर लेने का प्रयास करके विक्रम को यहाँ पर जो है अटैक करने का प्रयास चलता हुआ सबसे मजबूत डिफेंडर। फिर से एक बार राइट कॉर्नर से खेलेंगे, दो एक इस तरह नहीं, इस समय क्या हुआ है, ये सबसे मजबूत रेड थी क्योंकि अब तक 6 पॉइंट लिए थे किसी एक खिलाड़ी ने, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी टीम को शिकस्त दी, यानी कि पूरी टीम को ऑल आउट किया। इस बार आगे चले गए तेल
चलता हुआ दर्शन करने में कामयाब रहे हैं। समा का प्रदर्शन चलता हुआ देखिए, अब माहौल झरेवाड़ी के पक्ष में, लेकिन नहीं है, समय का पहिया किसी भी वक्त पलट सकता है। आप तैयार रहिएगा क्योंकि ये ताकत रखते हैं पाली के मोरिया, पाली टीम के समर्थक भी। हम भी तालियां बजाएंगे, हम भी सीटियां बजाएंगे। जरूर अपने आप पर भरोसा रखना होगा और ये खेल करना होगा। जरूर मैं दोनों भी टीमों को कहना कहूंगा कि यहाँ पर आखिरी समय तक आपको भरोसा रखना होगा। कुसुर पुसुर चल रही है, डगआउट में भी कुसुर पुसुर, दर्शकों में भी कुसुर पुसुर। जी हाँ, देखिए मैच जीतने के लिए आपको आखिरी सेकंड तक संघर्ष करना होगा, यही एकमात्र अस्त्र आपके पास है। और दोनों भी टीमें इतनी जबरदस्त है जो किसी भी वक्त कमबैक करने के लिए जानी जाती है। इस खिलाड़ी ने ही आउट किया था पूरी की पूरी टीम को, मोरिया पाली टीम को। तो अब मोरिया पाली की ओर से ऐसा कौन सा खिलाड़ी रहेगा जो सुपर रेड करते हुए फिर से एक बार मैच में वापस आने का कार्य करेगा। पहले आपका खेल चल रहा है, ये तो मुकाबले की शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या, लेकिन से यहाँ पर जरूर खेलना चाहेंगे। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, इसका मतलब ये है कि हर एक पैंतर में शानदार खेल कर दिखाना होगा। लेकिन से खेला था बढ़िया हासिल, वो कह रहे नहीं आप मुझे रोक नहीं सकते, वापस भेजा है कवर के लिए, जरूर आए थे लेकिन अकेले ही टच पॉइंट यहाँ पर लेकर जाते हुए। चैन बनानी होगी और इस चैन को तोड़ने के लिए थोड़ा सा मुसीबतों का पहाड़ आपको टूट पड़ेगा, लेकिन फिर भी नए चैन के साथ खेलना होगा। टच पॉइंट यहाँ पर लेना चाहते राइट कॉर्नर से यहाँ पर खेलेंगे और जी हाँ टच पॉइंट लेकर वापस चले जाते हुए अपनी हाइट का पूरी तरीके से लाभ उठाते हुए इसी खिलाड़ी में अब लेफ्ट कॉर्नर से खेलेंगे। टच पॉइंट लेकर फिर से एक बार टच पॉइंट लेकर जाएंगे। एक तेरी तो एक मेरी, एक तेरी तो एक मेरी, यही बताते हुए इस समय राइट कॉर्नर से खेलेंगे। देखना होगा सात का डिफेंस है, दो नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी किस तरीके का खेल कर रहे हैं। जरूर राइट कॉर्नर से खेल रहे हैं, सात का डिफेंस जरूर है, लेकिन ये खिलाड़ी अब यहाँ से जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। टाइम आउट लेने की यहाँ पर जो घोषणा की है, बता रहे कि हम टाइम आउट लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा सा गेम प्लान करेंगे, उसके बाद नए जोश के साथ खेलेंगे। समय को व्यतीत किया और टाइम आउट लेकर वो वापस जाएंगे। एक नया यहाँ पर जरूर बातचीत होगी, बातचीत हो रही है दोनों भी टीमों के दरमियान, एक तरफ मोरिया पाली की टीम और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो झरेवाड़ी की टीम। बार एक रुपये की धनराशि देऊन जाईल, धनराशि पेक्षा तुम्हाला या विजयावरती जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करावे लागेल। आणि दोन्ही संघाचे खेळाडू या ठिकाणी तोच प्रयत्न मैदानामध्ये करत आहेत। लेफ्ट कॉर्नर से खेलेंगे, काफी अंदर चले गए थे, बाप रे बाप, हम बड़े मछली के जाला फेंकते हैं, हम उसी छोटी छोटी मछलियों पर ध्यान नहीं देते, शायद यही कह रहे हैं। और बड़े मछली को टच पॉइंट लेकर वापस लेकर जाते हुए दो नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी के आरे में देखना होगा। राइट कॉर्नर से यहाँ पर खेलते हुए सात का डिफेंस है, बोनस यहाँ पर जरूर ऑन था लेकिन जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे इस समय। और ये चतुर खिलाड़ी ये जानते हैं किस समय किस तरीके का पैंतरा आजमाना है और वही कोशिश ही यहाँ पर जो है चलती हुई। लाइन के करीब आए, एम्प्टी रेड करेंगे, जी हाँ एम्प्टी रेड करते हुए बोनस लेकर जाए हैं, बोनस लेकर जाएंगे। पांच का डिफेंस यहाँ पर है, दो दो एक इस तरीके के लेफ्ट कॉर्नर से खेलेंगे, पिछले दो रेड में दो पॉइंट लिए, काफी अंदर चले गए थे और एक टच पॉइंट लिया है, क्या बात है क्या बात है, लगातार तीन रेड में तीन पॉइंट लिए इस खिलाड़ी ने और कहीं ना कहीं पॉइंट के इस फासले को कम करने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है। इस समय टच पॉइंट यहाँ पर लेंगे, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बता रहे कि कहीं ना कहीं गलती हुई है और इस समय पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ। टाइम आउट की घोषणा यहाँ पर होती भी, पहले टाइम आउट की समाप्ति पर पॉइंट बने हैं झरेवाड़ी के 15 और दूसरी ओर देखा जाए तो बोरिया पाली के 6। इधर धुल्ली संगना पहला पुकारा से, देखिए अभी पॉइंट का फासला 9 का है, इसका मतलब साफ है कि अब पाली की टीम आक्रमण करेगी, यहाँ से अब संघर्ष करेगी और आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पता है वक्त जितना आप कम लोगे उतना ही आपके लिए अहम होगा। लिप करने से गिरेगी, काफी आगे आए थे इस समय और तारे, 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 दो पॉइंट लेकर जाएंगे, क्या बात है क्या बात है, बता दो मला हे पाहिजे मला ते पाहिजे मला एक नाही दोन 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 पाहिजे। देखिए एक को लाइन के पास में ढकेल दिया और कहा कि मैं इसको भी लेकर जाना चाहता हूँ, वन गेट वन बाय वन फ्री, इस समय देखना होगा देखना होगा देखना होगा, दो पॉइंट यहाँ पर दिए गए, टाइम आउट लिया गया है। मित्रों ने सामना और तेरा
मैच रंगता हुआ। देखिए पॉइंट का फासला कितना भी क्यों ना रहे, आखिरी मिनट तक कह नहीं सकते कि झरेवाड़ी जीतेगी या पाली की टीम जीतेगी, क्योंकि संघर्ष अभी भी जारी है। मैं हमेशा कहता हूँ, फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले अपने आप पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। भरोसा करना होगा और इस मैच को जीतने के लिए बीच मैदान में डबल संघर्ष करना होगा। लेकिन को यहाँ पर अटैक करने का प्रयास करता हुआ देखना होगा, इस समय बहुत ही जबरदस्त टैकल किया गया है। क्या जबरदस्त तरीके से झरेवाड़ी के डिफेंडर ने यहाँ पर डिफेंड किया है, चार का डिफेंस है। और बचे हुए समय में यहाँ पर पाली टीम के इन डिफेंडरों को चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। विक्रम के ऊपर काफी ज्यादा नजरें रहेगी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया अपने टीम की ओर से। राइट कॉर्नर से खेलेंगे, देख रहा होगा स्वप्निल भी, राइट कॉर्नर पर तगड़े डिफेंडर है, इस समय अपनी पूरी जिम्मेदारी लेकर बीच मैदान में खेलेंगे। जरूर यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से खेल करते हैं, सेंटर लाइन के काफी करीब आएंगे, इनको एक सुपर डुपर रेड करनी होगी अगर इस मैच में वापस आना है तो। 10 पॉइंट का बहुत ही लंबा फासला है, इस फासले को तोड़ने के लिए अपने मजबूत हौसले के साथ यहां पर रेड करनी होगी। लेफ्ट कॉर्नर से खेलेंगे, राइट को यहां पर जो खेलना चाहते देख रहा होगा, इस समय क्या मजबूत स्थिति में आएंगे। और बोनस लेने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन बोनस लाइन को क्रॉस शायद ही नहीं किया था, जिसकी वजह से इशारा यहाँ पर मिलिन सर इनका कुछ नहीं आता हुआ, यानी कि दो दो की चयन इस समय। समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो जीत के दरवाजे बंद होते हुए जाएंगे। अगर इस जीत के दरवाजे को खोलना चाहते तो जो समय आपको मिला है, जो समय आप यहाँ पर ले रहे हो, उस समय में आपको अपनी लाइफ की बेहतरीन कबड्डी खेलनी होगी, वो भी अभी के अभी। टाइम आउट यहाँ पर लेने की मांग की है यहाँ पर खिलाड़ी ने, और टाइम आउट यहाँ पर लिया गया है झरेवाड़ी की ओर से। मोमेंटम को तोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, उनके कोच यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या करना है। झरेवाड़ी संघाचे दोन्ही टाइम आउट समाप्त झाले, त्यानंतर तुम्ही टाइम आउट घेऊ शकत नाही। तर दुसऱ्या बाजूला पाहायला गेलं तर नक्कीच मैदान मध्ये एक वेगळी स्ट्रॅटेजी मोरिया पाली हा संघ करताना दिसेल। अंतिम फेरी गाठायची असेल तर मैदानामध्ये तुम्हाला एक मोठा संघर्ष करावा लागेल, स्टेडियम वरती पूर्णतः सन्नाटा आपण पाहू शकता, वेळ या ठिकाणी थांबू शकत नाही मित्रांनो, आणि त्या वेळेनुसार आपल्याला पुढे घेऊन जावं लागेल। उस समय राइट कॉर्नर से खेलेंगे, छह का डिफेंस यहाँ पर जरूरत, बोनस लेने का प्रयास किया था राइट कॉर्नर से, फिर से एक बार चलते हुए इस बार गलती की है, टच पॉइंट लेकर वापस चले जाते हुए। जी हाँ, थर्ड रेड के लिए आए दोनों पर जैसे पहने वाले खिलाड़ी, देख रहा होगा पांच का डिफेंस इस समय, दो दो एक इस तरीके की चयन है। विक्रम है और राइट लेफ्ट कॉर्नर पर काफी अंदर चले गए थे, क्या यहाँ पर थर्ड रेड में इनको दर्द पूछ लिया जाता है, अगर ऐसा कारनामा होता है तो मौका जरूर यहाँ पर पाली की टीम पे बनेगा, लेकिन एडवांस टैकल करने का प्रयास गलती हुई है और खेला मध्य चुकीला माफी नहीं। शेवटी पांच मिनट आहेत, आखिरी पांच मिनट में मोरिया पाली टीम को बहुत ही बड़ा संघर्ष करना होगा। राइट कॉर्नर से खेलेंगे, बोनस लेने का प्रयास जरूर किया गया है और इस बार भी यहां पर जो है गलती होती हुई नजर आ रही है। दो नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी अब समय को व्यतीत करना चाहते, समय अब रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा क्योंकि कुछ मिनटों का खेल शेष है। ये समय बोरिया पाली के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है क्योंकि यहां से एक तरफ अब झरेवाड़ी की टीम वक्त को बिताना चाहेगी, टाइम पास करना चाहेगी, दूसरी ओर बोरिया पाली की टीम बचे हुए समय में रफ्तार भरी कबड्डी खेलना चाहेगी। इससे पहले हुतु तो इस तरीके से किया जाता था, लेकिन कबड्डी अब यहाँ पर रफ्तार बढ़ेगी। स्वप्निल आए हैं सपनों को पूरा करने के लिए, स्वप्निल यहाँ पर पहली रफ्तार भरी लड़की पॉइंट लिया है, आहिस्ता आहिस्ता कछुए की माफी की यहाँ पर जो है मेरे दोस्तों पॉइंट लेते हुए। आपने सुना ही होगा कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, लेकिन कछुए की रफ्तार बढ़ाओ और मैच को जीतो। चार पॉइंट यहाँ पर देखा जाए, चार मिनट का खेल शेष है, 120 यानी 240 सेकंड का खेल बचा हुआ है, शेवटची चार मिनट आहेत, शेवटच्या चार मिनिटांमध्ये तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची लढत खेळायची आहे आणि मैदानामध्ये ही उपांत्य फेरीची लढत आहे। झरेवाडी की पाली संघ अंतिम फेरीमध्ये विराजमान होणार, पाहूया। स्वप्निल के ऊपर सभी की नजरे टिकी हुई है, देखना होगा क्या कर पाते हैं, पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो यहाँ से सुपर डुपर रेड बना सकते हैं। राइट कॉर्नर से खेले गए, सेंटर खिलाड़ी का आउट करना चाहते थे और उस समय एक खिलाड़ी का आउट किया है, यानी कि 9 नंबर के डिफेंडर अब बाहर जाते हुए थर्ड रेड के लिए आते हुए। 2 नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी, मौका जरूर बना है, मौका जरूर बना है, मौका जरूर बना है, मौका जरूर बना है, इस समय और एक गलती होती है और उस गलती को 2 पॉइंट में कन्वर्ट करते हुए स्वप्निल फिर से एक बार आए हैं।
राइट कॉर्नर से खेलेंगे और चुनौती दे रहे कि आओ मुझे पकड़ो, लेकिन देखना होगा क्या यहाँ होकर होता है। आखिरी 3 मिनटों का खेल शेष है, जोखिम उठाना होगा। इस बार डायरेक्टली एक मजबूत बोनस प्लस 1 2 पॉइंट यहाँ पर लिए है और कहीं ना कहीं पॉइंट के फासले को बहुत थोड़ा सा कम करते हुए एक नंबर जैसे पहने वाले खिलाड़ी चंद मिनटों का खेल बचा हुआ है। इस चंद मिनटों में जल्द से जल्द ऑल आउट करने का प्रयास यहाँ पर जो है मोरिया पाली की टीम करेगी। देखना होगा इस समय क्या ये कारनामा कर पाएगी। इस सेमीफाइनल के दरमियान किसी एक खिलाड़ी का चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जरेवाड़ी के खिलाड़ी अब यहाँ पर टाइम पास करते हुए नजर आ रहे हैं। मराठी मूवी टाइम पास बहुत ही ज्यादा हिट रही, लेकिन ये टाइम पास क्या इनके लिए हिट रहेगा या नहीं देखना होगा जरूर। सपनील नए सपने लेकर बीच मैदान में आते हुए व्हाइट कॉर्नर से खेलते हुए देखना होगा क्या यहाँ पर बेहतर आजमाते हैं और जितने भी रेड मिलेंगे उतने में उनको जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। वही कोशिश यहाँ पर जारी है, काफी अंदर चले गए थे, टच पॉइंट यहाँ पर लेने का प्रयास किया था, फिर से एक बार वही कोशिश जारी रहेगी। राइट कॉर्नर को अटैक करने का प्रयास है, फिर से एक बार काफी अंदर चले गए थे। पॉइंट यहाँ पर लिया गया है जरेवाड़ी के कैफे में, एक पॉइंट जुड़ता हुआ। शेवटी 2 मिनट आखिरी 2 मिनट बची हुई है। मोरिया पाली के खिलाड़ी क्या यहाँ से कमबैक कर पाएंगे, क्या यहाँ से टैकल करते हुए फिर से एक बार मैच में आएंगे। अभी भी पॉइंट की फासले की बात की जाए तो 9 पॉइंट का फासला है। अगर इस मैच में जीतना है, वापस आना है, तो कम से कम जरेवाड़ी को ऑल आउट करना होगा और यह थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 180 सेकंड में 6 या 7 रेड आपको देखने को जरूर मिलेंगे। देखेंगे इस समय अब किस तरीके से खेल करते हैं। लंबी रीड रही तो आपको जरूर ऐसे यहाँ पर देखने के लिए एक कारण से यहाँ पर जरूर खेलना चाहते हैं और इस समय पॉइंट लेकर जाते हुए बोनस प्लस वन इस तरीके से यहाँ पर जो है पॉइंट लेकर जाते हुए तो एक नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी रेड के लिए आते हुए मजबूत स्थिति में यहाँ पर आहिस्ता मैच अलग रंग दिखाता हुआ जरूर थड़कने तेज करता हुआ रामटे खड़े कर देने वाले मुकाबला चलता हुआ आखिरी मिनट यहाँ पर है और इस समय अगर देखा जाए तो आखिरी मिनट में देखना होगा किस तरीके का खेल करते हैं। देखना होगा 13 नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी इस समय आए हैं रेड करने के लिए। लेफ्ट यहाँ पर गिरिए बोनस यहाँ पर लेना चाहते थे, यहाँ पर कम से कम 4-5 पॉइंट की सुपर डुपर रेड यहाँ पर जरूर लेनी होगी। लेफ्ट कॉर्नर से खेल रहे इंतजार में है कि लेफ्ट कॉर्नर को यहाँ पर जो कहीं ना कहीं टच पॉइंट लेकर जाए और इस समय यहाँ पर जो है बोनस लेकर वापस चले जाते हुए 2 नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी रेड करने के लिए आए। चंद और चंद औपचारिकता बची है मैच के दरमियान, देखना होगा इस समय क्या होता है और समय को व्यतीत कर रहे हैं। राइट कॉर्नर से खेलेंगे, इस बार गलती हुई थी और यहाँ पर टच पॉइंट लेकर जाएंगे। फिर से एक बार 13 नंबर जर्सी पहने वाला खिलाड़ी रेड के लिए आया है। औपचारिकता बची है मैच के दरमियान, क्या इस औपचारिकता को किस तरीके से पूरा करते हैं लेकिन इस बार टैकल करने में कामयाब जरेवाड़ी के पक्ष में एक पॉइंट और टैकल पॉइंट इस समय अब जाता हुआ जरूर जरेवाड़ी के पक्ष में और एक तरफ बोनस पॉइंट 2 नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी है और इसी के साथ और इसी के साथ जरेवाड़ी टीम ने ग्रैंड फिनाले में दस्तक दी है। मोरिया पाली आपने भी अच्छा संघर्ष किया। वेल प्लेड।